हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले जीके का डे फाइव, मतलब ये पांचवा नंबर जो है सीरीज का है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन का जो है ना, मतलब इंडिया का जो है ना नेशनल फैक्ट, इंडिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमारे नेशनल फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में करेंगे। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सी अपडेट की, आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ को मिस कर रहे हो। वो मिस कर रहे हो क्या? वो हमारी वोकेबलरी की पीडीएफ, हमारी वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स की पीडीएफ, हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ, हमारी वोकैब रीजनिंग की पीडीएफ। इन पीडीएफ को प्रैक्टिस करो, याद करो एग्जाम से पहले दो बार, और एग्जाम देकर आओ, खुद कहोगे कि एग्जाम बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाओ आप और आराम से सारे पीडीएफ को बाई करो। व्हाट्सअप करो 7279047787, और व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ पे प्राइजेस पूछ लो और पीडीएफ वहाँ से आप बाई करो। एग्जाम से पहले बाई करके इसको पढ़ लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, मैं गारंटी तरफ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है और सबका आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कहाँ गया, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जब भी लंबाई और चौड़ाई पूछेगा, लेंथ एंड ब्रिथ की जब रेशियो पूछेगा, तो ये हो जाता है 3:2। क्या हो जाता है? 3:2 हो जाता है। और वहीं पर अगर सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये तो खैर ये भी हो गया, ये अगर उल्टा करके पूछ दे कि चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होगा, तो कुछ लोग इसमें भी रटा रटा जाते हैं ना, तो 3:2 कर देते हैं। भाई क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है आपसे, पूछ रहा है विड्थ एंड लेंथ पूछ रहा है, और पहले लेंथ एंड विड्थ पूछा था, तो फर्क हो जाएगा ना, अब चेंज हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है और पट से आंसर कर देते हैं, और आपके एग्जाम में तो कोई देख सुनने वाली चीज़ नहीं है, देखने वाली चीज़ है, तो देख के आराम से करना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई लिखा है कि चौड़ाई लंबाई लिखा हुआ है, और हमारे इंडियन फ्लैग को मतलब डिज़ाइन किसने किया था, तो एक नाम याद रखना, पिंगली वेंकैया नाम था उनका, लिख लेना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र जो होता है ना, उसका रंग क्या होता है सबको पता होगा ये तो। ठीक है, गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू होता है जो कि एक सर्कल और उसके अंदर तिलियाँ होती है ना। कह रहा है कि उसके अंदर कितने टोटल तिलियाँ, व्हील्स के अंदर कितने तिलियाँ होती है, स्पोक्स कितने होते हैं, ऐसे जो गोल बना होता है उसके अंदर जो होता है ना स्पोक्स, वो कितने होते हैं, तो टोटल 24 होते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि इसके कहने का मतलब ये कि 24 आवर्स हमको कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमको पढ़ाया गया था। फिफ्थ नंबर है कि भारतीय के राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा है। राष्ट्रीय गान और देखो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो राष्ट्रीय गान कहेगा तो आप जनगण मन कहोगे, वहीं पर अगर आपसे राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछेगा तो राष्ट्रीय गान के रचयिता आपको याद रखना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, और देखो यहाँ पे दो नाम मैं बताऊंगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। जो फिलहाल आपसे नेशनल एंथम के बारे में पूछेगा तो जनगणमन और राइटर उनके कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और वहीं पे फिर से पूछा जाए कि जनगणमन को सबसे पहले कब गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था। ठीक है, कब एंड कहाँ पे गाया गया था, तो ये कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन था। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का देखो अभी हमने क्या देखो, दोनों में फर्क है। पहले मैंने बोला राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम, और ये राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, दोनों में फर्क है ना। तो ये कौन सा है, तो ये अगर जनगण मन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो राष्ट्रीय एंथम नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, तो आपसे पूछ रहा राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई, तो ये हमारा वंदे मातरम। अब इसको किसने लिखा था, कब गाया गया था, वो सब चीजें अब हम जान लेंगे। कब गाया गया था पूछेगा आपसे, तो आप कहोगे 1896 में, 1896 के अंदर गाया गया था पहली बार। और वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिखा गया है, तो इसको किस ग्रंथ से लिया गया, तो गाइस ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आनंद मठ से। कुछ लोग कह देते हैं मुंडको उपनिषद से, नहीं, ठीक है, ये लिया गया है आनंद मठ से। और एक चीज छूट रहा है, किसने लिखा था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी कुछ लोग बोलते हैं, तो बंकिम चंद्र जी थे इसके रचयिता, ये चीज आप याद रखोगे। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मस्त मस्त मिलने वाला है, जो आपने सुना भी होगा और भूलते भी होगा, कन्फ्यूजन भी होता होगा। देखो सारनाथ स्थित, जो सारनाथ में स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ, वो उसमें से कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में लिया गया, जो सारनाथ में जो है ना राष्ट्रीय स्तंभ का जो हमने देखो हमारे राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में या फिर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, वो जो शेर वाला आपने देखा है ना कि उस पर शेर बैठे हुए रहते हैं, एक पोल है उसके ऊपर शेर बैठे हुए रहते हैं, सिक्कों पे भी देखने के लिए मिलता है, नोट्स पे भी देखने के लिए मिलता है, तो वो पूरा जो स्तंभ है उसका कौन सा हिस्सा लिया गया, तो जस्ट उसका शीर्ष टॉप का पार्ट लिया गया है। स्तंभ होता है एक बड़ा लंबा सा,
ठीक है, ये जमीन से सटा और स्तंभ के ऊपर बनाया गया है। ऊपर चार शेर होते हैं, ठीक है, और दिखता है एक बार में तीन ही शेर है। तो उसका टॉप का भाग जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने लिया है, नेशनल एम्बलम के रूप में हमने लिया है, ठीक है। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, मतलब उसमें से कौन सा पशु नहीं होता राष्ट्र, जैसे मेनली तो चार शेर हमको ऊपर में समझ में आ रहे हैं तो तीन ही दिखते हैं। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा होता है ना उसमें और भी कुछ कुछ जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर नहीं एनिमल्स होते हैं, उसमें से हिरन नहीं होता, ये चीज आप याद रखोगे, उसमें हिरन नहीं होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो ये याद रखना है कि उसमें हिरन नहीं होता है, ठीक है। बाकी के ये सांड शेर और घोड़ा ये सब होते हैं। राष्ट्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, शेर कितने दिखाई देते हैं, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि चार, ठीक है, अब ये चार, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि तीन, अब इसमें से आंसर क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है। देखो दिखाई देते हैं ना, जब कहेगा कि कितने दिखाई देते हैं तो आपको आंसर करना है तीन, लेकिन एक्चुअल होते कितने हैं तो चार, ठीक है। तो दिखाई अगर देने के लिए बात कहेगा तो इंसान एक बार में तीन ही शेर को देख पाएगा, बिकॉज पीछे वाला शेर दिखाई नहीं देता, वो उसका मतलब क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि चांद का एक बार में हमको एक ही हिस्सा दिखाई देता है, उसका पीछे का नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि वो हमारी नज़र से छुप जाता है, वही है, हमारी नज़रों से छुप जाता है, वो पीछे के सेट हो जाता है, एक बार में तीन ही सिर देख पाते हैं हम लोग। और फिर कह रहा है ना कि एक्चुअली उसके अंदर मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, ठीक है, एक्चुअली कितने लायंस है उसके अंदर, तो कहोगे सर तीन दिखाई देता है लेकिन होता कितना है, चार होता है, ठीक है। और वो चारों शेर का मतलब यह है ना कि हमारी नज़र चारों ओर है, बात समझ में आ गया। चलो कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, कुछ लोग कहेंगे शेर, नहीं वो बाघ है, ठीक है, टाइगर है, लेकिन पहले क्या था, अगर पहले पूछ दे तो पहले शेर था, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पिकॉक, मयूर जिसको कहते हो, मोर। बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था, तो जस्ट मैंने बोला शेर, बट अब जो है बाघ है, ठीक है, तो पहले क्या था, शेर था। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, आदर्श वाक्य के बारे में भी पूछता है कभी कभार एग्जाम में, तो ये होता है सत्यमेव जयते। अब ये सवाल आपसे पूछ सकता है ना कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया था, जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया था, तो सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडको उपनिषद से, जो चीज़ आप अक्सर उल्टा सीधा आंसर करते हो, ठीक है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था, ये एक प्रकार का उपनिषद है, ठीक है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय होती है, ये हमारा मोटो है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पशु की भारत में, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला, मतलब इसमें से कौन सा एक पशु है जो राष्ट्रीय, जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें नहीं दिखता है, तो ऑब्वियसली शेर तो दिखता ही है, सांड भी दिखता है, घोड़ा भी दिखता है, क्या ऊँट दिखता है, तो नहीं सर ऊँट नहीं दिखाई देता, ठीक है, याद रखना आप, ऊँट नहीं होता उसके अंदर। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन में संपूर्ण रूप से कितने समय में गाया जाता है। गाइस ये बच्चा बच्चा को पता होता है कि पूरा गाना हम 52 सेकंड के अंदर गा देते हैं, ठीक है, पूरा जनगण मन जो है नेशनल एंथम को 52 सेकंड के अंदर गाते हैं। तो बस ये छोटा सा एक टॉपिक था, बाकी अगला एक लेके आएंगे हम लोग, जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर का होगा, और दो कल जीके या फिर आज शाम को एक जीके आएगा, कल जो मतलब जीके का डे 5 जो आएगा ना वो इस चीज़ का आएगा, जैसे बहुत सारे निकनेम्स होते हैं किसी का, जैसे मतलब भगत सिंह को अलग नाम से भी जाना जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता, बहुत सारे हैं, बापू के नाम से किसको, बहुत सारे ऐसे हैं ना निकनेम्स, उनके बारे में पढ़ा दूंगा जो कि मतलब हाईलाइटेड है, ठीक है। जाने से पहले सारे पीडीएफ्स को बाई करो और एग्जाम से पहले पढ़ो, और जो जीके की पीडीएफ है करंट अफेयर की पीडीएफ बाई करने पे आपको मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेज हो रही है ना उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी गाइस ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।